क्लास सर मेरा 2 दिन ठीक है, पैसा आदमी से नहीं है सर नहीं होगा डिस्टर्ब, आप माइक ऑन रखिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे लोग। अरे सर हम बस जीके पढ़ाइएगा या बाकी सब भी? सर किस सब्जेक्ट से हैं, कैसे जीके भाई? किस सब्जेक्ट से, मतलब कौन सा ग्रेजुएशन में बीकॉम कौन से, सा सब्जेक्ट बीकॉम लिया। से, हाँ तो बीकॉम सब सर, बीकॉम। पढ़ेगा, रीजनिंग पढ़ाया ना अभी कुछ देर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट वाला भी क्लास चलेगा। सब्जेक्ट वाले में भी थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 दिन आओ, सब चलेगा यार। तो देखो सर बिजनेस स्टडी वगैरह सर, सर फर्स्ट भी है ना? जो हमारा क्लास था, फर्स्ट बैकअप क्लास था, उसमें हम 3 घंटा में, सबसे पहले ये बताओ 3 घंटा में कौन कौन से टॉपिक करवाए थे। तो उसमें सर भारत हम का बताते नाम हैं, सर है, हम हम बताओ बताते हैं, जो हम ठीक बताते है हैं सर, रुको। बताओ बताओ। सबसे पहले सर भारत मिसलेनियस में पढ़ाते। प्रथम, अरे भाई एक आदमी बताओ यार, हम चुप अब हो गए वही सर। होता है ना, सब चुप रहो। हाँ भारत सर, फर्स्ट दिन मेल पढ़ाए थे फर्स्ट प्रथम टॉपिक, उसके बाद सर महिला फर्स्ट दिन एवं फीमेल पुरुष, पढ़ाए थे, फर्स्ट दिन वर्ल्ड पढ़ाए, फिर उसके फर्स्ट बाद इन इंडिया फोर्थ फीमेल नंबर वर्ल्ड है। टॉपिक, हाँ विश्व में सर सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा। भारत वाला लिख पढ़ाए थे, नहीं नहीं सर नहीं पढ़ाते, नहीं सर नहीं भारत वाला पढ़ाए, कुछ इंटरनेशनल था सर, नहीं ना पढ़ाए थे। अच्छा नहीं सारा इंटरनेशनल था, बस भारत में सिर्फ प्रथम महिला और पुरुष वाला पढ़ाते बस। तो भारत वाला आज लिखो, सबसे पहले भारत वाला लिखो, तो चलो भारत वाला आज धीरे धीरे लिखो। लिखिए। आज ये सब समझने वाला नहीं है कि जिनका फर्स्ट क्लास भी अभी होता कौन सा डाउट क्लास चल रहा है क्या सबका सर? कौन, इसका भी पीडीएफ बना लीजिएगा हाँ सर प्लीज सर। आप लिखो सबसे सर पहला, इसका पीडीएफ नहीं बनता, सर सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, आप बोलो। जैसे भेजे थे वैसे भेजिएगा, नहीं तो हम लोग एक बार लिखने लिखने कुछ छूट जाता है फिर दिक्कत हो जाता है हम लोग को, तो हम लोग वहां लिखो से ना देख सकते हैं। पहले, लिखो ना, भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा, लंबा एवं शर्ट सर, ऊंचा। सर अभी बीकॉम का क्लास हो चल चुका है रहा सर, ये है सब हो सबका, चल चुका है, रहा है लंबा ये सब हो चुका है भारत में, हुआ है भारत में, देखो तो। सर, हुआ है सर फर्स्ट अभी बीकॉम नहीं, का क्लास चल रहा है। फर्स्ट बैकअप क्लास जो आपका है, फर्स्ट बैकअप क्लास का यूट्यूब पे लिंक है, सर ठीक है। तो सर नो यूट्यूब सर पे नहीं हुआ है सर, फर्स्ट बैकअप क्लास का ये यूट्यूब सर पे, विश्व में हुआ है, विश्व में हाँ, नहीं हुआ, लिखो क्लास में लिखो। लिंक दिए थे सर, पीडीएफ भी दिए थे, हाँ तो, क्लास में लिंक डाल दिए थे और पीडीएफ भी डाल दिए थे। सर हाँ तो लिंक फिर से डाल देना। अति ये हो ना, मतलब एडमिन हो ना, तो सबसे मैं पहला लिखते जाओ मेरे साथ, लिखोगे इसीलिए याद होगा, नहीं लिखोगे तो नहीं याद होगा। तो सबसे पहला लिखो, सबसे लंबा, सबसे लंबा मेरे साथ लिखोगे तो याद होगा, ऐसे नहीं लिखोगे इसलिए हम लिखवाते हैं। सबसे लंबा सड़क पुल, सड़क पुल, तो ये कौन सा बताओ कोई, सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है बताओ। महात्मा गांधी सेतु पुल, जीटी रोड, नहीं यस सर, सर सड़क हाँ पुल बता रहे हैं, सड़क पुल हावड़ा, हावड़ा सर, नहीं, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका पुल, कहाँ है सर? भूपेन हजारिका पुल, ये आपका उधर था, देखो पिछली क्लास में लिखवाए थे, इस क्लास में भूल गए, वो उधर है ईस्टर्न साइड, रुको फिर आने वाले सब ये क्या में लिखो, सर? लखीमपुरिया आसाम में, बताए ना अच्छा सर हाँ, ईस्ट साइड, क्या नाम है सर? बोगीबील बोगीबिल ब्रिज है ना सर? तो ये सबसे लंबा सड़क पुल। सड़क पुल कहने का मतलब कि वो पुल जैसे महात्मा गांधी सेतु पुल आपका है, वैसा ही सबसे बड़ा सड़क पुल में होता है कि उस पर गाड़ी चलती है, ट्रेन नहीं चलती है, ठीक है। दूसरा लिखो, सबसे बड़ा पशुओं का मेला, सबसे बड़ा तुम लोग लिखना, बड़ा हम लिख देते हैं, सबसे बड़ा सोनपुर, पशुओं का मेला, पशुओं का मेला, तो इसका लिखो। देखो लिखने से सोनपुर क्या यार, होगा, लिखने से क्या होगा कि याद होगा, याद होगा, ऐसे नहीं लिखोगे, पीडीएफ दे देंगे तो नहीं लिखोगे, हम खुद लिखते हैं, बहुत लिखते हैं, तो लिखने की आदत डालो सर उसमें। थोड़ा सा इंग्लिश करा देते, इंग्लिश में भी सर लिखा बता देते सर, बोल दीजिए, लिख लीजिए मत बोल फिर दीजिए। बहुत दिक्कत यस सर इंग्लिश में, इंग्लिश ऐसे में करना प्रॉब्लम अरे हो रहा यार है। इंग्लिश,
इंग्लिश में ऐसे कर दो, बिगेस्ट ये एनिमल ये मेला जो भी हो सकता सबसे है, बड़ा जितना पशुओं का एक मेला है तो मेला जो मुझे भी क्या मेला मतलब फेयर होता है, सबसे बड़ा पशुओं यार मतलब एनिमल्स, ये तो होता नॉर्मल स्टैटिक जीके है यार। अब आ जाओ, सबसे बड़ी झील, बिगेस्ट लेक, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। अब क्लास पूरा करना है, इसका बैकअप, अब बैकअप बैकअप मत करना, बैकअप नहीं देंगे उसके बाद। सबसे बड़ी झील आपका बुलर झील, बिगेस्ट लेक कौन है बताओ? ऐसे करोगे तो क्लास चलेगा, फिर बोले माइक ऑन कर दीजिए सर, माइक ऑन किए तो डिस्टर्ब करते हो। अरे भाई लो माइक बंद करो ना। ठीक है, बुलर झील। अब बुलर झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अब चौथा नंबर लिखो, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे तुम लिखना बड़ा रेगिस्तान, हम लिखते हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान न है ये, रेगिस्तान, थार मरुस्थल, बिगेस्ट डेजर्ट, डिजर्ट, सहारा डिजर्ट। थार, इंडिया में थार है। सर इसका पीडीएफ सर दे भारत लिखवा दीजिएगा। रहे हैं। हाँ भारत वाला, विश्व वाला लिखवा दिए पिछले क्लास में, वो कर लेगा। आइए पीडीएफ, यूट्यूब पर है क्या सर पिछला वाला? हाँ पिछला वाला यूट्यूब पे है। सबसे बड़ा, फिर लिखो सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है बताओ? बिगेस्ट जू, जूलॉजिकल कोलकाता में है गार्डन, सर, कोलकाता वाला सर, कोलकाता जूलॉजिकल, जीकल, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, इंग्लिश में जूलॉजिकल गार्डन लिख देना, जूलॉजिकल गार्डन आपका कहाँ है? कोलकाता। अब छठा नंबर लिखो, अच्छा पिछला जो लाइव क्लास 3 घंटे का था, कोई यूट्यूब पे पूरा किया है खत्म? मेरे को नहीं लगता है। सर हम किए हैं सर, हम किए हैं। नहीं सर, नहीं हम तो क्लास में किए थे 3 घंटा बैठते हैं। सबसे बड़ी सो हम तो मस्जिद, पढ़ ही नहीं है। सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद तो मस्जिद, समझते होगे, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, यस सर, जामा मस्जिद, मस्जिद कहाँ है आपका? दिल्ली में। नहीं दिल्ली, दिल्ली, लिख रहे हो ना? यस सर। अब कैमरा खोल कर सबका देखेंगे कि किसका किसका बोलेंगे। कैमरा खोलो, पीछे वाला कैमरा से दिखाओ कौन कौन लिख रहा है। श्योर ओके सर, सर, ओके, चलो अभी दिखाएंगे। यस सर। छठा, सातवां लिखो। सर सर इसका एक काम सेकंड, सर, एक मिनट स्क्रीनशॉट सर, रहने दीजिए। सर एक मिनट सर, देखिए ये सब लिखने वाला नहीं है, लिखने वाला लिखने नहीं वाला है, नहीं। जो जो कौन स्क्रीनशॉट कह रहा ले लिखने रहा वाला है, नहीं है? जो जो स्क्रीनशॉट ले रहा है वो नहीं लिख रहा है। अरे भाई हम अभी आए तो हमारा छूट गया है ना। सर हल्का से नीचे, सर हल्का से सर नीचे, हल्का सा थैंक पीछे यू पीछे सर, सर। मैं लाइट तो कट गया इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। चलो, एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अरे इतना लेट सर मत ये करो, पिछला बैकअप बस हो गया सर, हो गया। के बाद ये लगा फर्स्ट बैकअप क्लास करने के है। बाद ये सेकंड बैकअप फर्स्ट क्लास है, दोनों में अलग अलग है ऐसा। बैकअप वही 3 घंटा बोला है सर। हाँ अब लिखो, सर जो फर्स्ट बैकअप किया है उसको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, हाईएस्ट नहीं पीक, देखना है। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी K2, टू K2, ठीक है। अब आओ आठवां नंबर सवाल, आठवां नंबर आओ, सबसे लंबी सुरंग, लंबी लॉन्गेस्ट टनल, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी सुरंग। अब हिंदी वाले सर दिक्कत, हिंदी में लिखवाइए सर, हिंदी में। सबसे लंबी सुरंग, भाई हिंदी में बोल तो रहे हैं ना। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग। बहुत पीछे हो तुम लोग यार, करना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर में अच्छे से क्लास करोगे तभी हो जा पाएगा मेकअप। नौवां नंबर सवाल, और इसी लॉन्गेस्ट टनल, रेल टनल, रेल टनल समझ रहे हो? लॉन्गेस्ट टनल वो कौन था? रेल टनल क्या मतलब है? इस पे यार गाड़ी रेलवे मोटर, का प्लस गाड़ी इसके मोटर चलता है और इस पे क्या ट्रेन चलती है? हिंदी क्या है सर? रोड, हिंदी, सबसे लंबी सुरंग मार्ग, रेलवे, रेलवे लिखो। पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक है।
ये भी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल सुरंग, ठीक है। अब अगला लिखो, दसवां नंबर सवाल, दसवां नंबर लिखो, सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा बिगेस्ट डेल्टा का डेल्टा ही होता है ना, सुंदरवन तो इसका लिखो सुंदरबन डेल्टा। सर ये क्या लिखे हैं 9 नंबर का आंसर? पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। अभी लिखते हो ना मेरे साथ तो याद हो जाएगा, इसीलिए वेस्ट बंगाल ऐसे नहीं याद होगा, लिखना भाई तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। सोच रहे हो ना 30 पेज, जब सर लिख रहे हैं अभी जब नहीं, 30 पेज ग्रेजुएशन में लिखना होगा तो कैसे, चलो 3 घंटे वाला एक बार में ही लिख लिए थे। अरे बहुत अच्छा भाई। अब लिखो, मेडल दीजिए सर। सबसे ऊंचा झरना, सबसे, जोगिया गोलसप्पा। हाँ, सबसे ऊंचा झरना, झरना का क्या होता है? फॉल, वाटरफॉल, सर वाटरफॉल। वाटरफॉल सबसे हाईएस्ट या सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल कह सकते हो, हाईएस्ट जोगिया गोरसप्पा। पीक पे ना सर, सबसे पीके पीक वाला वाटरफॉल। पीकेस्ट बोलेंगे तो वाटर पीकेस्ट वाटरफॉल जोगिया ना सर, गोरसप्पा। जो वाटरफॉल अरे सबका ऊंचा सब, वाला ना सबका सब अंग्रेजी नहीं होता है, कर्नाटक में है। सर, जो या क्या बोले? जोग या गड़सोप्पा, जोग 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 या जोग। अब 12 नंबर का सवाल लिखो, सबसे ऊंचा दरवाजा, इंडिया के बुलंद अंदर दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा लिखो, बुलंद दरवाजा। हम लिखवाते हैं इसीलिए, पीडीएफ हम आपको दे सकते हैं पर लिखवाते हैं कि मेरे साथ कम से कम एक बार लिखेगा तो याद रहेगा, ऐसे थोड़े लिखता है। बुलंद दरवाजा, देखो सब क्लास जितना भी अभी भी ऑफलाइन क्लास होता है, सब पीडीएफ बनवा सकता है, दिलवा सकता है, पर खुद क्यों लिखता है कि लड़का लिखेगा, लड़का को लिखने के लिए पीडीएफ नहीं दिलवा सकता है वो। सर रिटर्न करने का बेस्ट तरीका है ये। तो फिर सबसे लंबी नदी, गंगा नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा इंडिया में, गंगा इंडिया में। गंगा 2500 25 है ना? नहीं सर, 2601 है, 2625, 2601, 2601 हो गया। हाँ सर्च करना, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से लिख लेना, इसके नीचे गंगोत्री, ठीक है। सर गंगोत्री कहाँ पे है सर? ये लिखना कहाँ पे, उत्तराखंड। गोमुख से निकलती है, गोमुख से, गंगोत्री से, गोमुख, और अंदर जाओगे तब तो पता चले गंगोत्री, ऐसे सब जगह होता है कि गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड में है। कहाँ गिरती है? ये ना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बांग्लादेश में क्या नाम है? लिखना पद्मा, पद्मा, ठीक है। और क्या है? अब रहने तो इससे इतना ही सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। बुलंद दरवाजा कहाँ है सर? बुलंद दरवाजा बताइए ना सर। फतेहपुर सीकरी में बीजापुर, सर बीजापुर, फतेहपुर, फतेहपुर में है सर। सर्च कर लेना, फतेहपुर 14, सर 14 कहाँ है आप बता दीजिए ना। सर बुलंद पीछे कीजिए ना सर, एक मिनट बीजापुर है, सर। बुलंद सर गंगा दरवाजा वाला लिख बीजापुर। दीजिए ना, ओके गंगा सर। वाला लिख दीजिए ना। गंगा गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड है। पदमा लिखने बांग्लादेश में दीजिए ना नामी जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, एक यमुना मिनट इसकी सहायक नदी है, गंगा। सर पद्मा थोड़ा बताइए। पद्मा बांग्लादेश में नाम, बांग्लादेश में, सर पीडीएफ से समझ में आएगा, एक्स्ट्रा जो बताते हैं वो नो सर, पीडीएफ। पीडीएफ से बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? पद्मा। जब क्लास करोगे ना तो तब समझ में आएगा। बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। यस सर, पेज टर्न कर दीजिए, पेज टर्न कर लीजिए। आप 14 नंबर आ जाओ। सबसे ऊंची मूर्ति,
कुमतेश्वर की मूर्ति। सॉरी इसका रिकॉर्डेड भेज दीजिएगा। सबसे ऊंची मूर्ति, मूर्ति का क्या होता है? स्टैच्यू। कुमतेश्वर की मूर्ति, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओहा, अब ये कहाँ है? गुजरात। गुजरात सर, कंबोडिया में है सर, कंबोडिया में, गुजरात में भाई, गुजरात में भाई। अब गुजरात में है और किस विकेट पर है सर? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो लिखे पे लिखना ही है, सरदार वल्लभ भाई। नर्मदा नदी की सर। कौन सी नदी? नर्मदा नदी के तट पे सर, नर्मदा नदी की तट पे। ये स्टैचू, इससे इतना क्वेश्चन पूछेगा तो ये लिख लेना। 15 नंबर सवाल, 14 हो गया। 15 नंबर सवाल लिखो, ये क्या लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना? ये सर हाईएस्ट बिगेस्ट लॉन्गेस्ट इन इंडिया, किसके लिए है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। अब सर्वाधिक वर्षा का स्थान? मासिकराम मेघालय। मासिन। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिन राम। जय श्री राम। मासिन राम जय श्री। ये आपका कहाँ है? मेघालय में, उत्तराखंड। मतलब कैसे कैसे लोग हैं बताओ यार, उत्तराखंड में, ये भी नहीं पता। मेघालय में। चलो जैसे आप बोले ना, मेघालय राज्य। अब आ जाओ। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? बुलर झील, सुपीरियर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर। सर मीठे पानी क्या लिखेंगे? स्वीट वाटर, फ्रेश वाटर। बोरा में जाएंगे यार सब। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सर, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? स्वीट वाटर, क्या? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, हाँ, स्वीट वाटर नहीं, फ्रेश वाटर होता है। सबसे बड़ी झील सर मीठा था ना, इसलिए पूछे। बुलर झील, बिस्लरी बोल दे, बिस्लरी का बुलर झील, जम्मू कश्मीर, बिस्लरी, जम्मू एंड कश्मीर। 17 नंबर लिखो। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश? ये मत बोल देना कि राज्य है, आएगा क्वेश्चन में तो यही लिख देना कि राज्य है, ठीक है। 17वां आ जाओ। कौन सा लिख लिखे हैं? बुलर झील, बुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। 17वां लिखो, कितने लोग हो पहले देखते हैं, बाकी इसका क्लास रिकॉर्ड नहीं। 36 लोग है। 43 है ना, 43 है, और हम रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे, ये बात जान लो। तो एकदम क्लास करो 43 के 43 मेरे साथ, बाकी जो ये अब। अरे विशाल भाई, सत्यम को मेडल ले दो मेडल। अब लिखो, सबसे लंबी सहायक नदी। सहायक नदी क्या होता है? यमुना नदी। सबसे सहायक नर्मदा नदी सर। सबसे लंबी यमुना सहायक नदी। सहायक नदी को सहायक टेरिटरी रिवर कहते हैं ना सर? हेल्पिंग रिवर बोलते हैं क्या? यमुना। अरे टेरिटरी रिवर बोलते हैं, हेल्पिंग थोड़ी ना बोलेंगे इसको। यमुना नदी, सबका अंग्रेजी सब नहीं बोलते हैं ना सर, सपोर्टिंग रिवर ट्रिब्यूटरी बोलते सर। हां, ये सबसे प्रदूषित नदी है सर, ट्रिब्यूटरी, यमुना। हां, सबसे प्रदूषित नदी है सर, दिल्ली में है। चलो अब आ जाओ, सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम। हीराकुंड बांध, ठीक है। अगला बढ़े, बांध में किस पे है सर, ये अभी लिखवा दीजिए। क्या बांध यानी पूरी होता है बना हुआ सर, ये डैम हो गया। लड़की लग रहा है सर, पीट कर रहे हैं, देख देख के बोल रहे हैं। चलिए 18 19। एक मिनट सर, एक मिनट पैक कीजिए ना, लिखने दीजिए सर, एक बार उसको रिपीट कीजिए ना। सबसे लंबा बांध मेरे में स्क्रीन शॉट नहीं, हीराकुंड बांध ओडिशा। हीराकुंड बांध ओडिशा, मेरे में स्क्रीन शॉट नहीं लिया जाता सर, रुक। क्या लिखा सर? हीराकुंड बांध ओडिशा। हीराकुंड बांध
सर ये कौन सा नदी पर, महानदी पे ना है। हाँ चलो चौथा, ये चौथा पेज है ना, चौदहवा नंबर क्वेश्चन लिखो। सर उन्नीसवा नंबर ना, सर उन्नीसवा नंबर 19 सर 19 लिखो। सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर। हाँ समझते ही होगे, गोल्डन टेंपल कहाँ है आपका? अमृतसर, अमृतसर में, अमृतसर। और बीसवां नंबर लिखो, बीसवां नंबर लिखो। सर कितना लेट ये सब आता है, एंट्री मत दीजिए सर। अरे दे देते हैं, कलाज फूट जाएगा इसीलिए। अब सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 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 उत्तर प्रदेश। वो तो जनसंख्या की दृष्टि से है ना सर, दृष्टि से राजस्थान है। बाई एरिया सर, जब पेपर पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ा राज्य पूछा हुआ होगा, तो सर राजस्थान और यूपी नहीं, जनसंख्या या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा हुआ रहेगा। सबसे बड़ा जिला सर उत्तर प्रदेश का कोई जिला है, लद्दाख नहीं, कच्छ, कच्छ होगा। हाँ कच्छ, सॉरी जीके बड़ा तगड़ा है, किनका तगड़ा है देखिए हमने जरा, कौन है? अरे कौन थे जी, फिर क्या थे? किसका जीके तगड़ा है? कौन लड़की बार बार बोल रही है, किसका मतलब कौन जवाब दे रही है, हम यही देखने आए। अंकिता सत्ता। अच्छा अंकिता है, देखिएगा नंबर नंबर अच्छा लाने वाली है सर, क्लास वाले ये सब है कि सर बुक देख देख के बता रही होगी। नो सर, नो सर, मैं न्यू ज्वाइन है, बुक देख कर नहीं, मैं ये खुद बता रही हूँ। बीपीएससी बीपीएससी में सर टॉप कर जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि कोई जवाब दे रहा है तो टॉप ही कर जाएगी, उसको मालूम है तो बता रही है, पहले तो मेहनत की है ना। 22 लिखो, अरे 22 लिखो, सबसे पहले लिखो ना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। सर कृत्रिम का क्या लिखेंगे, मैन मेड सर, ऑप्शन दे सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक, मैन मेड लेक, इसका लिखो गोविंद सागर। इसका 22 में क्या लिखे हैं, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील। ठीक है, अब कौन, अब देखो अब कौन सा टॉपिक, ये तो करवा दिए, अब भारत वाला करवा दिए थे पहले 3 घंटे वाले क्लास में, भारत में प्रथम पुरुष महिला ये सारा का सारा करवा लिए थे, ये सर करवा दिए थे। अब यस सर हो गया था, अब नया टॉपिक लिखो। अरे सर गोविंद क्या बोले सर, गोविंद सर नीचे की लास्ट लाइन सर, गोविंद सागर सर, कृत्रिम झील क्या होता है? मैन मेड, मानव के द्वारा बनाया हुआ, आर्टिफिशियल की देख लो, राजधानी मुद्रा सर, करेंसी लिखवाइएगा। ये सर हो गया है सर, ये हो गया है, ये तो हो गया है, ये 3 घंटे के क्लास में हुआ है, 3 घंटे वाले में ये नहीं हुआ है, नहीं, इसका वीडियो है यूट्यूब पे, इसका वीडियो है यूट्यूब पे सर, हम नहीं देखे हैं सर, तो लिंक भेज दीजिएगा भाई, जिसके पास है वो लिंक भेज दीजिएगा। तो जो किए भी हो ना, जो किए भी हो ना वो भी कर लो, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा, होशियारी करो कि मतलब इतना बार लिखो कि याद हो जाए। सबसे पहले एशिया के बारे में देखते हैं, तो अफगानिस्तान नहीं हुआ,
काबुल इसकी राजधानी है। अब ये पैसा मत लिखो, पैसा नहीं आएगा। अब लिखो अगला, बांग्लादेश। ढाका। ये तो सबको याद होगा। तीसरा लिखो भूटान। थिम्पू। तो सर दिक्कत आपको क्या हो रहा है ये बताइए पहले। सर कान में आवाज जा रहा है आपका, नहीं आ रहा, पहले नहीं कहा रहा है। थोड़ा सा उसको बोलिए सांस लेके बोलने के लिए सर। ठीक है सांस लेके बोलिए। चीन का लिखो। बीजिंग। अब लिखो, अब भारत तो सब बना दोगे। यूक्रेन भी लिखवा दीजिएगा सर। इंग्लिश में लिखवाइए ना सर। अरे इंडोनेशिया चीन ये सब अपने भी तो इंग्लिश कर ही सकते हो। सर भूटान क्या है सर? भूटान सर इजी है इंग्लिश करना। थिम्पू। थिम्पू। जकार्ता। जकार्ता भारत ऐसा बोले। ईरान। बगदाद। बगदाद। ओ सर यहाँ तेहरान। ईरान। इजराइल। ईरान क्या हुआ सर? तेहरान। इजराइल। इजराइल है ना देश। इजराइल। जेरूसलम। कौन आ रहा है? जेरूसलम। जेरूसलम सर। जेरू है या जेरू है? जेरूसलम। ईरान का क्या होगा सर? ईरान का तेहरान। तेहरान। अब हो गया ना। सर यूक्रेन का क्या होगा? क्यू। 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 अभी आएगा तब ना हम लिखवाते। एशिया भी लिखवा रहे हैं, वो आपका यूरोप में। सर पाकिस्तान। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। मुझे मत टोकियो। टोकियो। सर हम आपको सारा लिखवा रहे हैं, आप लिखते जाइए ना। कंबोडिया है सर। कंबोडिया है सर। नो। नोम पेन। 10 नंबर सर उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया जिसको कहते हैं। सर कंबोडिया का क्या लिखे? क्या? नो पेन। नो पेन। नो पेन। प्योंगयांग। अब ये सब नाम है तो हम क्या करें बताओ, बदला तो नहीं सकते राष्ट्रपति से बात करके कि नाम बदल दो। प्योंगयांग आप कर सकते हैं। ठीक है तो हम बात करते हैं। जी सर कीजिए। दक्षिण कोरिया लिखोगे ना तो याद होगा, क्वेश्चन आएगा ना तो मार दोगे। जो ज्यादा नॉर्थ कोरिया का क्या लिखे है? नॉर्थ कोरिया का क्या लिखे है? प्योंगयांग। 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 प्रिटोरिया। प्योंगयांग। प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया का सियोल। प्रिटोरिया। जानते हैं सर जो ज्यादा होशियार बनता है ना उसको लगता है। दक्षिण कोरिया क्या हो? दक्षिण कोरिया सियोल। सियोल। उसको लगता है कि ये कंबोडिया का दीपक हुड्डा, ये हमारे क्रिकेटर साहब कहाँ से आ रहे हैं क्लास में। नोम पेन। नोम पेन। उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग। पीडीएफ इसका नहीं बन पाएगा इसलिए लिख लो, और नहीं हम देंगे भी नहीं देंगे। कुवैत। सर 11 नंबर में क्या है सर? दक्षिण कोरिया सियोल। लिखो कुवैत। कुवैत का कुवैत सिटी। अभी लिखोगे तो याद रहेगा, एग्जाम में मार दोगे एक बार में। मेरे साथ लिखो हम भी तो। कुवैत का कुवैत सिटी। मकाऊ। बात बोलना था सर। बोलिए ना सर, आप बोलिए, दो बात बोल दीजिए सर, एक ही बात बोलेंगे।
सरकार ऐसी सर, अगर पटना यूनिवर्सिटी में निकल गया सर, सर तो ये क्लास से रिलेटेड कुछ हो तो बोलिए सर। ये भाई सुनिए ना सर, क्लासेस से रिलेटेड है सर, तो आपसे मिलना हो तो मिलेंगे कहाँ? कॉलेज में सर। धन्यवाद देने के लिए सर। कॉलेज में सर, मकाऊ सर, मकाऊ का मकाऊ ही होगा। हाँ सर, सर मीटअप रखिएगा सर। आपको केएफसी में मीटअप रखेंगे। यस सर आपके लिए कुछ बिल कौन भरेगा सर? आप भरेंगे, भरेंगे हम भरेंगे, और कौन भरेगा? तुम्हारे लिए सर थोड़ी ना भरेंगे। 14 सर लास्ट वाले क्या लिखे हैं? मालदीव का माले सर, एक बार निकाल दीजिएगा ना अच्छा से सर। हम लोग यार हम मेहनत तो कर रहे हैं, अब तुम्हारे हम लोग मेहनत करेंगे सर। सर मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा ना। 15 लिखो। मिलेंगे मालदीव का बताइए ना सर, मालदीव का माले, माले मंगोलिया, मंगोलिया उलान बटेर। अब इसके नीचे लिखना एशिया की सर, उलान बटेर, उलान बटेर सबसे बड़ी रेगिस्तान, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान वाला देश, रेगिस्तान वो भी है ना, गोबी रेगिस्तान गोबी इसी देश में है, मंगोलिया। सर ये क्या लिख के सर, उलान बेटर बटेर, उलान बटेर, उलान बटेर 16। इन लोग का हिंदी बहुत खराब है। 16 मंगोलिया सर क्या लिखे सर नीचे में? नेपाल का एशिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान गोबी मंगोलिया में ही है। अब लिखो नेपाल, काठमांडू, ये विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, माउंट एवरेस्ट 8848 या कहीं कहीं 8850 भी दिखाई देगा। यस सर बढ़ गया सर हाइट सर, तो बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देते हैं। 17 नेपाल हो गया ना सर। ओमान जी सर, एमबी, एमबी क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्लास में जब क्लास में सर ध्यान दीजिएगा ना, पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्या लिख रहे हैं। कंबोडिया लिखवाए थे सर? जी सर, ये सर लिखवाए थे सर, नोम पेन, नोम पेन। हाँ सर, तो कंबोडिया के सर लिखिए कि अंकोर वाट का मंदिर यही है। कौन सा मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर, कृष्ण वर्मन द्वितीय बनाया ना? यस हाँ 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 यही बनाया। तो कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, कृष्ण वर्मन द्वितीय बनाया। अंकोर वाट, अंकोर वाट, अंकोर वाट एक गेम भी होता था। मस्कट, ओमान मस्कट, जानते हो बैकअप में हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं, जो इसके पहले वाले को पढ़ाया बहुत कम पढ़ा। यस सर बहुत कम पढ़ा। कौन बेवकूफी कर रहा है क्लास में? किसी का भाई है सर, छोटा सर। बकरी की तरह आंख दे रहे हैं। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पाकिस्तान के बाद फिलीपींस। माइक ऑफ करो ना, कैसा हो रहा है? देखो ना कोई किसका माइक, उसको बोलो ना ऑफ करने के लिए। जिस जो माइक पांडे भाई नहीं है सर, इसीलिए सब दिक्कत हो रहा। पांडे भाई क्लास कर लिए। पांडे भाई 17 नंबर क्या लिखे? फिलीपींस मनीला। 17 नंबर क्या लिखे? ओमान का मस्कट, ओमान का मस्कट, ओमान, ओमान। हाँ गए थे सर ओमान में एक बार। सर एक मिनट रुकेगा सर, फोटो। ओमान गए थे, दोहा, कतर का दोहा। ओमाने का था लैला सर, लैला ओमाने का था जी सर। बताइए लैला थी सर, था नहीं? यस सर वहीं का है। सिंगापुर, सिंगापुर ही है।
22वां नंबर श्रीलंका। सर इससे कितना नंबर एग्जाम में आएगा सर? 40 से 50। पूरा से 40 से 50 आएगा, पूरा जीके पढ़ाएंगे ना तो 40 से 50 नंबर आएगा। कितना नंबर पसंद निकल जाएगा इंश्योरेंस? क्या थाईलैंड श्रीलंका कहाँ है सर? खराब चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हमेशा जिंदगी भर यहाँ से आपको काम देगा, कहीं भी कंपटीशन में काम देगा। हाँ बूढ़ा भी हो जाओगे ना और जॉब नहीं लगेगा तो यही हम आज भी हम यही पढ़ रहे हैं सर। अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे सर। तो श्रीलंका का क्या है सर? श्रीलंका का क्या लिखा? कोलंबो। थाईलैंड का बैंकॉक। सिंगापुर का क्या लिखा? सिंगापुर का सिंगापुर। कितने लोग हो क्लास में? 44 लोग हो पढ़ने वाले। पढ़ने का मन करता तुम? पढ़ने का मन करता है तुम लोग को? कितना हुआ? मजबूरी में पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है तो पढ़ना ही पड़ेगा। लिख लो यहीं पे तो टर्की, तुर्की या टर्की इसको बोलते हैं। अंकारा। मजबूरी थोड़े पाई पढ़ने का सर। 23 नंबर है साइलेंट। थाईलैंड का बैंकॉक। ठीक है सर। तुर्की है क्या? हाँ तुर्की। यमन। तुर्की है कहाँ होगा सर? अंकारा। यमन का साना। देखो अफ्रीका में ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर कुछ कुछ है जो हम आपको सर अफ्रीका में कहीं भी नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है सर। यमन का साना होगा सर। साना पीछे कीजिए ना सर, एक मिनट पीछे कीजिए ना। यमन का बोलिए ना एक बार सर। यमन का साना। यमन का साना। अफ्रीका का 3-4 इम्पोर्टेंट है, लिख लो। अब बताओ सब, पुट पुट कर रहे थे, अफ्रीका का पूछते हैं। नाइजर। इंग्लिश में लिखवाइए सर, ये सब बिल्कुल नहीं पता चलता हमको। हिंदी में इसको हिंदी में पढ़ना है। नाइजर नाम है, हिंदी में लिखा या इंग्लिश में लिखा उसको तो इजी से लिख सकते हैं। यही तो हम दोनों में एक ही होगा। यही बात तो हम समझाने की कोशिश पिछले एक महीना से कर रहे हैं। जो नाम है नाइजीरिया नाम है तो इंग्लिश या हिंदी नाइजीरिया ही होगा, दोनों ही एक ही होगा। लागोस। नियामी लिखे थे नियामी। सर ये टॉपिक अफ्रीका क्यों डाले? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने अफ्रीका में लिखवा रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है माली। माइक ऑफ कर लो प्लीज, हवा का आवाज सुनो। बमाको। ईयरफोन लगा के देखो। अंगोला। अंगोला अंगोला। लुआंडा। क्या लिखे सर? लुआंडा। बिल्कुल नाइजीरिया के नीचे क्या लिखे सर? माली। भाई क्या है, वाइब्रेशन में मैसेज आता है भाई का। लिख लिया, लैपटॉप तोड़ देगा। लिखो मैसेज। लीबिया। बताओ लीबिया का, ये सब इम्पोर्टेंट है। लीबिया। हून। सर अंगोला क्या लिखा? लुआंडा। लुआंडा वाह। मोरक्को। सर लीबिया यही कहता ना, इवन बटूटा। हाँ बिल्कुल सही, मोरक्को। दौवी शताब्दी में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सर मोरक्को क्या लिखे हैं? रबत। अब दक्षिण अफ्रीका। सबसे फेमस यही है
सब ऐसा नहीं, नहीं सब प्रिटोरिया 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 लिखवा दिए ना सर। सर लिखिए सर सुडान कौन रोड साइड किसका घर है? खार्तूम। सर ईयरफोन लगा लो ना नॉइज खत्म हो जाएगा। मोरक्को का क्या लिखे हैं सर? रबत। सूडान के किस? खार्तूम। खार्तूम से खार्तूम। युगांडा। युगांडा नाम सुन के कुछ दिमाग में आया? यस सर वही साइलेंसर। नहीं युगांडा का वो एक है कंपाला। इस कौन सा था जिसका कैमरा में युगांडा का है? यस सर वो ढाकर न्यूज़ बोला युगांडा। यस सर कंपाला। लिखो जिम्बाब्वे। हरारे हरारे। लिखो हरारे। लिख लिए ना सर? ये सर लिख लिए। पुष्पा जैसा नाम है सर। लिखिए सर जाम्बिया। सर हरारे। हरारे हरारे का सर कंट्री का नाम लिखिए सर। जिम्बाब्वे। लुसाका। लिखिए सर जाम्बिया। लुसाका। लुसाका आप भी किताब खोल लिए क्या सर? सबका देखो। चलिए सर किताब का नाम हम भी खोल लेंगे सर। ऐप खोल के रखते हो 69 नंबर पेज अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा बुक है भाई? डॉट प्लीज पूरा उड़ा दे। बुक का नाम क्या है सर? लूसेंट का टॉपिक बता दीजिए कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं वीडियो में सर। हम नहीं लूसेंट से पढ़ा रहे हैं, ये वाला टॉपिक लूसेंट से भी नहीं देख रहे हैं। घाना सर का अलग नोट्स है सिर्फ यही पढ़ते रहे हैं। अकरा सर आप जो सजेस्ट किए थे यूट्यूब पे रीजनिंग का बुक और जीके का बुक सर वो खरीदने वाले हैं, खरीद लें। कहाँ सजेस्ट किए थे हम? कहीं सर आपका ओल्ड वीडियो है बहुत सर बहुत ज्यादा एक ईयर ओल्ड है। अच्छा बॉलर वाला। ये क्या लिखे सर? धाना का अकरा। अकरा मेरा 2 साल पुराना वही वीडियो देख के हम खरीद लिए हैं सर। प्रीवियस सेशन के लिए क्या कौन सा बुक ले सर आप? सर अभी ये सब करिएगा अभी के लिखिएगा सर। ये सब पैटर्न में तो बदल गया है ना? हाँ तो बताएगा पटना विश्वविद्यालय तक ना कि क्या बदला क्या हम बदला। पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने के लिए सर उम्र कितना रहता है मैक्सिमम? 17 से ऊपर? नहीं नहीं मैक्सिमम का बात कर रहे हैं आप। मैक्सिमम जितना भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। 22-23 साल दे रहा है सर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला में। हाँ तो यही होगा इसका नहीं है कोई लिमिट यार। सीट वाला में तो कितना मेरा 28 साल तो ही ना हुआ काफी यार। ठीक है मैंने रियलिटी हो गया। भर सकते हैं हाँ तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से होगा ना सर। मैं 17 साल हो रहा है सर अभी। अब लिखिए अजरबैजान। मेरा भी तो 17 ही हो रहा है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। लिखें सर मेरा भी 16 हुआ सर। अजरबैजान। मेरा एज ही 17 है। ऑस्ट्रेलिया का क्या लिखे? बाकू। सर आपने ऑस्ट्रेलिया गलत लिखा है। सर ऑस्ट्रेलिया सर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया हाँ यूरोप में है। हाँ यूरोप लिखे ना सर। केटीएम सर जहाँ से केटीएम है पहला विश्व युद्ध में नहीं पढ़ा था। हाँ सर ये अजरबैजान है क्या सर? हाँ सर अजरबैजान बाकू। हाँ अब लिखिए सर बेल्जियम बोलते हैं ना ये सर? बेल्जियम बेल्जियम ब्रुसेल्स। हाँ ब्रुसेल्स 55 नंबर प्रेस्ट है सर यूरोप महाद्वीप। लिखिए सर लिखने से कहे ना कि लिखने से बहुत याद होता है सर। लिखेंगे तो पूरा रिटेन हो जाएगा। तो बेलारूस। बेलारूस बेलारूस रशिया ना सर? रशिया नहीं बेलारूस अलग है। रशिया का छोटा भाई सर बस। रशिया का छोटा भाई 1991 में अलग हुआ था समझो ये सोवियत संघ से। लिखिए सर डेनमार्क।
सर ये क्या लिखे हुए सर? डेनमार्क सर। बेलारूस का क्या लिखा है? मिन्सक। कोपेनहेगन का क्या लिखे है? ब्रुसेल्स। हाँ अरे लड़की लोग क्लास नहीं कर रहा कोई क्या? खाना खाने चल रहा है। हाँ सर कर रहे हैं। यस सर। यस कॉफी है सर? रख भी सब। फ्रांस पेरिस। कॉफी भूल गया क्या ना? पेरिस। अरे ऐसे नहीं नो सर कभी ये सब पढ़े ही नहीं है। जर्मनी इसीलिए तो लिखवा रहे हैं। जर्मनी का लिखो बर्लिन। बर्लिन। डेनमार्क का क्या लिखा है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। हंगरी। हंगरी। सर जर्मनी का क्या लिखे? बुडापेस्ट। बर्लिन। 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 बर्लिन का दीवार कब गिराया गया था सर? बर्लिन का दीवार। ये बर्लिन का दीवार दूसरे द्वितीय विश्व युद्ध 1889 में। बर्लिन का दीवार ये 12 के ही तो चैप्टर में पढ़ने का है यार। यस सर। समकालीन विश्व राजनीति के एनसीईआरटी में पहला ही चैप्टर है। यस सर। कोल्ड वॉर इरा में नहीं, कोल्ड वॉर इरा के अगला में पढ़ना है। सीटेड अब लिखो आयरलैंड। हंगरी का क्या है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। बुड्डा। बुड्डा। आयरलैंड। बुद्धा नहीं बुड्डा। डबलिन। डबलिन। सर जर्मनी का क्या लिखे? जर्मनी का बर्लिन। माल्टा। सर हंगरी का बुडापेस्ट लिखे बुडापेस्ट ऐसी होगा ना? देख लेना। छोड़ दीजिए ना। माल्टा वालेटा। समझे हो ना भाई सर? माल्टा वालेटा। लेकिन नहीं मत सर अधिक समय में ना भाई तो उसका डैश छोड़ दे। सर ये क्या लिखा? डबलिन। आयरलैंड का। हाँ डबलिन। आयरलैंड। सर माल्टा का क्या लिखा? पोलैंड। पोलैंड का लिखो बार्सा। हॉरिजॉन्टल फोन करो ना यार। हॉरिजॉन्टल फोन करके देखो ऐसे करके। क्या है सर मार्सा का? मार्सा। माल्टा का वालेटा। पोलैंड का बार्सा बोलते हैं तो बोलते रूस हैं तो एक ऊपर रहते हैं। पुर्तगाल। देखो पुर्तगाल ठीक है। राइटिंग बैठा बैठा के लिखते हैं। लिस्बन। लिस्बन सब समझ में आ रहा है। अब लिखो लिस्बन होगा सर। रोमानिया। पुर्तगाल का। लिस्बन। रोमानिया। रोमानिया पुर्तगाल ये सब आएगा क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में इस सब का बहुत भागीदारी रहा है ना। बुखारेस्ट। बुखारेस्ट ये चलते ये सब पूछेगा हो सकता अभी ये सब करंट अफेयर में रहा है इसलिए पूछ लिया जाएगा। हाँ इसीलिए हम सोचे की लिखवा दे रहे। बुखारेस्ट। अब लिखो रूस। आवाज कट रहा है भैया पे नेटवर्क स्लो है। रूस। मास्को। मास्को सर मास्को एक कंट्री था ना सर अभी लिखवाया था इससे पहले। मैक्सिको था सर। नहीं एक कंट्री मैक्सिको। अब लिखिए सर। अब कौन आ रहा है महाशय? कौन आ रहे हैं जरा देखें इनको। बीपीएससी रवि रॉकी। बात कर लीजिए। अब लिखिए स्पेन। स्पेन लिखिए। मैड्रिड। 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 आगे बढ़े सर। रोमानिया का बुडा बुखारेस्ट है। नहीं सर रुके ना सर। स्पेन रुके सर। स्पेन अगर बोलिएगा। स्पेन का मैड्रिड। रोमानिया का क्या है सर? बुखारेस्ट। 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 हाँ बुखारेस्ट। भूखा हुआ है। भूखा हुआ है तो रेस्ट कर लो। अब अगला आइए सर। सर थोड़ा बैठ कीजिए ना। हो गया सर।
यस बैक करने बोलता है फिर आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलते हो क्या वो बताओ स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड सर सबसे बड़ा महादेश कौन सा है स्विट्जरलैंड बर्न महादेश एशिया है स्विट्जरलैंड के बाद देखो लिखो सर हमको लगता है यूरोप महादेश सबसे बड़ा है यूके स्विट्जरलैंड के बर्न होगा बर्न लंदन लंदन देखो भाई सब अंतिम में क्लियर करते चल जाना कोई लगे यूक्रेन कीव कीव ऐसे होता है ना कोद्रिका वो देखो सर यूक्रेन का क्या बोले सर कीव 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 लिखा है वो अभी न्यू चैनल देखना फैसला लेगा अब लिखो अगला लिखो न्यूज़ पे खाली मोदी न्यूज़ चलता है अच्छा न्यूज़ ना है मोदी न्यूज़ उत्तरी अमेरिका वाशिंगटन ठीक है सर उत्तरी अमेरिका में कितना देश है अब इसमें लिखो ये क्या लिखो सर बरमुडा सर यूक्रेन के नीचे क्या लिखे हैं क्यू सर यूक्रेन के नीचे अमेरिका बरमुडा ये कलर हैमिल्टन अब अगला लिखो कनाडा इम्पोर्टेंट है जगह क्या छोड़ दिया सर क्या 5 मिनट रुकी ना सर थक गए सर ओटावा सर हम दो क्लास के बीच में छुट्टी दिए थे ना और सर ब्रेक 15 मिनट और सर हवाना सर हम तो ऐसा नहीं है कि कर रहे हम भी पेन से ही लिख रहे हैं सर आपको जो हम लिख रहे हैं ना वो पेन से ही लिख रहे हैं ये सर पेन से राष्ट्रखेल का शुरू थे अब लिखो ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड लिखो नूक सर क्यूबा का हवाना जमैका फिनलैंड की राजधानी लिखा जमैका किंगस्टन क्यूबा का हवाना मतलब नजर नहीं पड़ता लिखा सर उत्तरी अमेरिका के जो जगह कहाँ छोड़े हैं अरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम महाद्वीप है बताओ पनामा जीके गोल है ज्यादा जीके गोल है पनामा पनामा सिटी पनामा सिटी पीडीएफ सर डाल दीजिएगा ग्रुप में सर ना सर पीडीएफ नहीं देंगे सर इतना मेहनत से लिख रहे हैं आप देखिए यूएसए सर पढ़ेगा नहीं अरे विवेकानंद का दिमाग बहुत सर कितने लोग हो अभी सर अभी तो लीक आपसे देख के अभी बाद में अरे कोई दिक्कत नहीं होगा यूएसए वाशिंगटन लिख बुला रही है सर अरे तो अब लिख बुला रही है आए तो चाहिए ना सर तो हाँ आगे बढ़ा दीजिएगा अरे कोई दिक्कत नहीं है क्लास सर तो आपकी मम्मी बुला रही था हम लोग बैठे सर 10 बजे तक चलेगा ग्रुप में डाल दीजिएगा सर मेरा छूट गया आज का थोड़ा सा सर दक्षिण अमेरिका सर यूएस का क्या लिखे वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन ओह सर कहाँ Okay, अभी कितना लिखना है यार तुम लोग को बताओ अभी तो कुछ हुआ ही नहीं
सर सब लिख लेंगे। ये देखो बात, ये बोलकर कमजोर कर देते हो मेरे को। सिर्फ 6 ही पेज इंपोर्टेंट लिख बताओ, ये सब बोलकर सुबह में क्लास करवाई ना। सर मेरे को सर मेरा एग्जाम है ना, आप समझ सकते हैं। सर दुआ करेंगे सर आपके लिए। सर आपका कैसे का एग्जाम है? पार्ट थर्ड का है सर। अकाउंट्स बीएसटी वाला क्लास कर रहे हैं सर। बूढ़े थोड़े हैं सर, हम भी अभी 2019 सर आपका लास्ट ईयर चल रहा है। हाँ हम बताए थे सर। कौन यूनिवर्सिटी से सर? पटना यूनिवर्सिटी। पर हाँ हम किसका रहे? ब्राजील। सर आपके बारे में चप्पा चप्पा इंफॉर्मेशन निकाले हैं सर। कहाँ से सर? सर एक दो दिन टाइम दीजिए सर, हम दे देंगे। टेंशन क्यों ले रहे हैं आपसे? ज्यादा टेंशन मेरे को है। ब्राजील ब्राजीलिया 40-50 नंबर ये आ रहा है सर, इसका आपको टेंशन नहीं है कि 50 नंबर का ये है। पर उधर जो 40-50 तो फिर भी कम से कम पढ़े हैं, वो तो 12 पढ़े भी है सर। ये तो सीधे गोल है। गोल नहीं है सर, साफ है। सर बोले ब्राजील ब्राजीलिया। चलो लिखो। वो भी 12th वाला भी सर गोल है, वो भी पढ़ाइएगा सर। पेरू। तो 12 पास कैसे हुए हो? चीट करके लीमा। अच्छा काम किए फिर तो। अवार्ड दीजिए सर, चीटिंग करने में भी बहुत मेहनत लगता है। तो चीटिंग कहाँ से किया था? मेरे बगल में बैठा था सर। चीटिंग करने के लिए भी दिमाग चाहिए। रुकवे 307 नंबर आया सर 12th में। चीटिंग वाली कुछ नहीं किए। और रुकवे नहीं तो हम तो चीट किए हैं सर। सर पेन पे लिमा लिखे मॉन्टे वीडियो सर। हम लोग का सेंटर पर चीट नहीं किया। जिसका जो मम्मी पापा के सामने क्लास देख रहा होगा ना, तुम लोग मेरे को बदनाम करोगे यार। जी सर। बोलोगे कि क्लास करता है कि ये सब बोल रहा है सिर्फ। बताओ सर स्क्रीन दिखा दे यार। क्लास करेगा तो कॉल करता है। अरे मेरा है। चलो सर आपके लिए से लियो। ऑस्ट्रेलिया कोई क्लास का सर? और कितना समय लगेगा कोई क्लास का? अभी देखो ना तुम लोग का 50% कौन सा ऑस्ट्रेलिया लिखवा रहे हैं? उधर भी कोई ऑस्ट्रेलिया है क्या? नहीं सर ये गलत हो गया, उस नाई देश का लिखिए। कैनबरा। ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया का बीए का अभी तक में कितना क्लास हुआ है? बीए का 3-4। अब ऑस्ट्रेलिया का दो क्लास हुआ है सर। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का सर ये क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलिया हमको कॉन्टिनेंट है सर, महाद्वीप है सर। ऑस्ट्रेलिया अच्छा महाद्वीप खत्म हो गया। ये तीसरा क्लास है ना बीए का? कैनबरा। ये जीके का क्लास है, बीए का नहीं। ये नॉर्मल सबका है सर, बीए हो बीएससी। ये रिकवरी क्लास है जो बीबीए नहीं पढ़ा है न्यू बच्चा है उसके लिए। फिजी। संसद लिखवा दिए सर? देखिए तो पिछले मेरा नहीं लिखवाए थे। पिछले संसद नहीं हुआ है, 3 घंटे वाले में नहीं हुआ। 3 घंटे वाले में सर? 3 घंटे वाले में नहीं है संसद, वो हम पूरा किए हुए है। वाह आप लिखो नया टॉपिक। मजा। 3 घंटे वाला वीडियो का लिंक सर, 3 घंटे वाला वीडियो का लिंक भेज दिया ग्रुप में। एडमिन है ग्रुप में तो वो भेज देना, 3-4 लोग को बनाए एडमिन। YouTube पे जाकर देख लेना भाई। वहां मेरा YouTube पे प्लेलिस्ट है जीके का, वहां पे जाकर देख लेना। 5 वीडियो है। अरे तो लिंक छोड़ डाल लीजिएगा ना। हां सर पीसी का क्या होगा? तुआ सर पीसी का क्या होगा? पीछे कीजिए ना। सुबा पीसी का सुबा। गजब है सर। अरे एक मिनट सर, फोटो नहीं खींचे सर। सर पीडीएफ दे देंगे। नहीं देंगे सर, खींच लीजिए सर। एक सर एक सर कभी बोल रहे हैं पीडीएफ देंगे, कभी बोल रहे हैं पीडीएफ नहीं देंगे। सर पीडीएफ दे दीजिए। सर सर दीजिए दीजिएगा सर, छूटा हुआ है। सुनिए ना सर। हाँ सर
सब लिंक भेज दीजिए ग्रुप में डालिएगा ना सर, तहलका मच जाएगा। अरे ग्रुप में डाला हुआ था वो वीडियो का लिंक। अरे ये वाला अभी जो पढ़ा रहे हैं अब अभी जो पढ़ा रहे हैं जैसे भारत के संसद डाल दीजिएगा सर, भारत के संसद का नाम संसद है वैसे ही अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है सोरा। ठीक है सर कितना। अब अगला लिखिए सर, ये दिखाई दे रहा है ये वाला कलर। अब लिखिए ये संसद पार्लियामेंट ही होगा ना ऑस्ट्रेलिया। हाँ पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया के संसद का क्या नाम है पार्लियामेंट का क्या नाम है तो लिखिए पार्लियामेंट। देखिए सबका कोई अंग्रेजी नहीं। पार्लियामेंट में कितना मेंबर होता है सर अभी कितना है 500 अरे सब देश में अलग अलग होगा ना। 543 भारत में सर कितना है सर भारत में भी 545 का है 552 होना चाहिए पर 545 552 है वो पीओके वाला ऐड नहीं होता है 545 पे इलेक्शन होता है। हाँ अब लिखो ऑस्ट्रेलिया लिखवा दिए ना बांग्लादेश सर ऑस्ट्रेलिया में क्या लिखे कोई जरा बताइए। पार्लियामेंट बांग्लादेश लिखिए जातीय संसद। अब अगला लिखिए भारत संसद संसद संसद। अब देखिए सर जो इम्पोर्टेंट है ब्राजील कांग्रेस नहीं देता है। अरे हॉरिजॉन्टल करो ना क्लिक करें ना वो फैल जाएगा वो। अब लिखो यूक्रेन का लिखा दीजिए सर। यूक्रेन आएगा तो लिखवा देंगे। अब लिखे जो अब लिखिए ब्राजील के बाद लिखिए चीन ब्राजील का कांग्रेस। हाँ कांग्रेस कांग्रेस ये कांग्रेस गलत लिखे कांग्रेस लिखिए चीन सर मेरा अब नेट खत्म होगा सर। नेशनल इसमें नेट फोन लगता है नेशनल फोन वाला नहीं लगता है नेट कम लगता है। अरे इसमें बहुत कम नेट लगता है बहुत कम नहीं भाई तो कुछ आपका है पर इसमें नेट नहीं लगता। देखो हम पढ़ा रहे हैं तो 1.23 हुआ 400 MB मेरा लगा है तीन घंटा से हम पढ़ा रहे हैं। चीन का सर हिंदी बता दीजिएगा उसके बाद जो है नेशनल पीपुल्स काउंसिल असेंबली यही नाम ही है इसका। कंबोडिया चीन इसका हिंदी में नहीं है चीन में नाम होगा तो चीन का सर खान सर वाला वीडियो देखने में मजा आता है चीन पर जो बनाया है अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला। कंबोडिया कांग्रेस घर के बगल में रहते हैं सर कांग्रेस। लिखो अगला लिखो फ्रांस का लिखो नेशनल असेंबली। सर नींद लग रहा है कितना देर रहिए तो आधा भी नहीं हुआ करेंगे सर। नेशनल खाता सर नेशनल के बाद क्या लिखे हैं असेंबली असेंबली सर रुक के चल रहा है सर। नींद भगाने का सबसे अच्छा सटीक उपाय है सर वैसलिन वो आंख के ऊपर लगा ले पत्नी पर। ईरान का लिखे मजलिस सर रुक के चल रहा है मेरा रुक के चल रहा है नहीं तो सर नहीं सर नहीं तो चल रहा है उसका रुक के चल रहा है नेटवर्क स्लो होगा। जापान रिकनेक्ट करो डायट सर। ईरान का क्या लिखे मजलिस सर। जापान का डायट सर याद कैसे होगा सर रटेगा इतना अजीब नाम है
सर जापान के जाएगा स्पेन याद करने में सर लड़की लोग बहुत जल्दी याद करती है बंगाली लोग चूरन कल्ट्रेस जिससे लड़की के पाँव नहीं भूते इसके अभी मत बोलो इसका नीचे लिखना सूडान सूडान का ही यही है नेशनल असेंबली स्पेन का सर क्या होगा स्पेन का कल्ट्रेस कल्ट्रेस क्या सूडान सर देखिए महाशय आ रहे हैं पढ़ने के लिए भूलल भटकल लगता होगा कि अच्छा कुछ हो रहा है सर अभी खाना भी नहीं खाया हां हां ये सब का यही यूएसए मैं खा लिया सर यूएसए सर सूडान का क्या है असेंबली का सर सूडान होगा ना ब्रेक दिए थे उससे बताया खाना खा लिए थे सब भात खा के आ रहा है सब सोएगा यूएसए का कांग्रेस सर आप उसी टाइम खा लिए ना सर हम लोग ने खाए थे ना इसलिए खाना खा खा के हम नाश्ता किए सर नेशनल असेंबली सूडान क्या है सर सर नाश्ता ही किए ना सर हम लोग तो नाश्ता सूडान का नेशनल असेंबली है सूडान का भी नेशनल असेंबली सर तो रेटिंग प्रति समय खाना खा लिए थे पाकिस्तान भाई को लिखवे नहीं किया तुम लोग सबका लिखवा दिया पाकिस्तान का नहीं लिखवाया तुम बताओ पड़ोसी देश का सीनेट भाई नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली सर हमारे चाचा जी को मत भूलिए बस सीनेट उठा के बोलो तो क्या बोल रहा है नेशनल असेंबली क्या बोले सर नेशनल असेंबली पाकिस्तान का सीनेट या सीनेट अच्छा प्रतीक लिखवा दिए थे ना यस सर प्रतीक हो गया था नहीं है सर प्रतीक हो गया था नहीं सर कमल का फूल वगैरह वाला हम लिखवा दिए उसका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दिवस सर अंतरराष्ट्रीय दिवस नहीं लिखे हुए हैं नहीं लिखा है हाँ सर हाँ सर दिवस लिखाइए अंतरराष्ट्रीय दिवस लिखिए पहले इसका क्वेश्चन कैसे आएगा एक बना के दिखाइए कोई नहीं खा रहे अरे हम रोज तो निकलना है इन्वेंशन इन्वेंटर और सब साथ कहाँ कहाँ चले ए झगड़ा वाव अरे ए झगड़ा ए झगड़ा माइक में करो क्लास करो पहले भाई लाइव चल रहे हो जो ये बताइए करवाए नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर जी सर ये सर जी सर हो गया है सर हो गया कब करवाया है सर हमने नहीं हुआ है सर एक दो क्वेश्चन बोलिएगा उसका तीन घंटे के क्लास में जो है उसमें नहीं हुआ है जो मिस्र जो है नील नदी के किनारे है जर्मनी सरकी नदी के किनारे है पाकिस्तान नहीं हुआ लिखो अगला लिखो करवा दीजिए सर फिर से नहीं हुआ ही नहीं दो बार बताया राम सीता सर वो उसमें कराए होंगे रेगुलर वाले क्लास में सर उसने बोल दिया सर मेरा नेट अब खत्म होगा सर सर कांग्रेस का क्या लिखा सॉरी सर पाकिस्तान का क्या लिखवाए थे सर नेशनल सीनेट 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 कितने लोग देख रहे हो 42 अरे होशियार होशियार सब पढ़ रहा है भाग नहीं रहा है बोले मैं 166 क्वेश्चन करवाए थे हम तो सोच रहे हैं पूरी रात करवाएं सच में सर करिए ना सर सर पर 12 बजे मेरे को स्टेशन जाना है सर जी रिचार्ज भी करवा दीजिएगा 12 बजे तक करवाइए सर जी डाटा खत्म हो गया है हां मेरा तो लड़का करता है तो दो चार स्टूडेंट है जो जिसका क्लास खत्म होता है तो बेचारा रिचार्ज कर देता है बताओ यार अब बिना बोले कर बोली ना अब लिखो देश इंग्लैंड लिवरपूल लिवरपूल ये नगर का नाम है पर लिवरपूल कौन लड़ाई कर रहा है यार घर में लड़ाई कर रहा है यार अच्छा काम करो लिवरपूल मर्सी नदी के किनारे है ये नगर इधर मम्मी कूट रहे होंगे सर इधर नगर इधर नदी ऐसे ही लिखेंगे नगर और नदी 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 कैसे होता नगर है क्या लिखेंगे सिटी हाँ सिटी हो गया जैसे न्यू दिल्ली है आपका ये सब समझ गए
अब इधर है नदी, ठीक है। लिवरपूल कहाँ आपका है, इंग्लैंड में है, पर ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लिखो काबुल, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका काबुल, काबुल का काबुल नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। नदी के नाम पे ही सर काबुल नाम रखा गया क्या? चलो अब लिखो ओटावा, ये सब बताया ना कुछ देर पहले, ओटावा कनाडा का। ओटावा किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। इतना देखो हम बोलते क्यों है ना बीच बीच में, हिस्ट्री पढ़ाएंगे देखो नहीं बोलेंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे नहीं बोलेंगे, जो पढ़ता है मेरे से उसको पता होगा, क्योंकि ये सब रटने वाला चीज है और आपको लिखने में बोर फील ना हो, इसलिए हम लिख बोलते रहते हैं बीच बीच में कि सब कमेंट करते रहते हैं। यस सर, एकदम डिट्टो है, एकदम रट लेना एकदम। ओटावा के बाद लिखो, उसमें तो माइक ऑफर पढ़ाते हैं ना, टोकियो, टोकियो, टोकियो पढ़ता है साइंस वाला, साइंस वाला कोई है यहाँ पे? टोकियो, यस सर, यस सर, हम सर, अराकुबा, एकदम शांति से अच्छे से। हमको तो इंग्लिश समझ ही ना आते हैं, वही लिखने पड़े। सर उसमें स्टूडेंट कम है ना, इसलिए सब शांति से पढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइंस का जो मजा आ जाता है पढ़ने में। बिटावा, ज्यादा नहीं, तीन साल और उसके बाद मजा नहीं आएगा। अंकारा तुर्की का, तुर्की का बताया था ना अंकारा, लिखो अंकारा। यस सर, बताए थे। कीजिल, विजिंग, कीजिल। अरे मेरे से बहुत लोग बहुत जलता है यार, क्या बताएं। क्यों सर, क्यों सर, क्यों जलता है? तुम लोग इतना इतना सपोर्ट कर दिया ना, हॉट है तो जलेगा नहीं। 122 लड़का आ गया, किसी का एडमिशन 10वीं नहीं हुआ है, तो चाहेगा ना किसका बन गया सर? नहीं वो बात नहीं है सर, सर 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 लक है सर आपके साथ, लक है, लक है, लक है, इसीलिए सर। यूट्यूब पर ऐड देखे थे, पटना यूनिवर्सिटी का ऐड देता है यूट्यूब पर सर, सच में आपका जो सर यूट्यूब पे ही देखे थे, तभी हम लोग कॉन्टेक्ट किए। बेलग्रेड, हम भी आपको यूट्यूब पे ही देखते सर। डेन्यूब, बेलग्रेड, डेन्यूब, बेलग्रेड कहाँ है? हेलो सर, चैनल आपका मोनेटाइज हुआ कि नहीं सर? सब्सक्राइब बहुत, सब्सक्राइबर बहुत है, लेकिन चैनल डेड है सर। अरे नहीं, हर वीडियो पे एड्स आता है, एड्स आता है ना, तो वो यूट्यूब को ही चले जाता है, जब तक मोनेटाइज नहीं होता ना पैसा, यूट्यूब ही लेके चले सर। यूट्यूब ही है तो हम लैपटॉप पे पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब ही है तो हम पटना में रह के पढ़ रहे हैं, बाप माई से थोड़े पैसा मांगते हैं। नहीं नहीं, ठीक है सर, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। सर बेलग्रेड का क्या लिखे हैं? देखो दिल्ली जा रहे हैं, नवंबर में दिल्ली जा रहे हैं, वहां से हम आप लोग का सपोर्ट करेंगे, एकदम रहना, एकदम कनेक्ट रहना, एकदम सर आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। न्यूयॉर्क, यूपीएससी, आप कनेक्ट में रहिए सर, हम कनेक्ट। न्यूयॉर्क सर कब जा रहे हैं? नवंबर में, पैसा हो जाए तब। नवंबर, अभी तुम लोग हो, अभी मात्र तुम लोग 122-123 लड़के हो, 350 के हिसाब से जो क्या होगा उसमें। न्यूयॉर्क हमको भी ले जाएगा सर, 40-45 हजार होगा अभी, कितना ज्यादा थोड़ी हुआ होगा, 122 सर निकल जाएगा जब हम लोग का इंटरेस्ट निकल जाएगा, और हम लोग पैसा डाल देंगे। और यूपीएससी बीपीएससी के लिए कम से कम सर साल भर का 1.5-2 लाख तो कम से कम लग ही जाएगा, खाना वाना एक साल का 1.5 लाख देता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, तो खाना होना खा के रूम किराया भी तो ज्यादा लगता है ना टाउन में, तो ज्यादा कमाना चाहता है, करीब करीब 2 लाख रखो। 6 महीने 6,000 रुपया सर खाने पीने में लगता है, मेरे दोस्त से पैसा। कराची, कराची, अरे हम भी भाई मेडिकल के स्टूडेंट है ना, हमारा भी खर्च होगा तो पता है ना मुझे। सिंधु, नीट की तैयारी कर रहे हो क्या? अभी कर नहीं रहे, करेंगे तो कब कब से करोगे? 11-12 में करता है, जिसको भी 11-12 में करता, लेकिन कर नहीं रहे। सीन भाई लेट हो जाएगा तब तो बहुत ज्यादा। देखो भाई ये नगर का नाम है, आप लोग बात बात में हम इतना लिख लिए, नगर का नाम है, ये नदी का नाम। यस सर, उधर भी तो लिख दिया था नगर और नदी। क्या लिखे है सर बेलग्रेड का? क्या बेलग्रेड का? डेन्यूब, डेन्यूब,
सब रखना पड़ेगा सर, इतना लिखवा दिए हैं अखबार बोल व्यापार। आपका घर कहाँ पे है सर? बिहार में पटना में। पटना में ही है प्रोफेसर? पटना सिटी। मेरा सिवान है सर, मेरा सिवान है। आज पे अशोक राजपाल के लंदन मेरा सिवान है, सबसे छोटा मेरा डाक टीका घर। अरे हल्ला मत कीजिए जी, लंदन मेरा सिवान है सर, लंदन बेतिया जी ने है। लंदन के बाद में कहा टेम सर, कोई बेतिया जी ने है। कोई भाई बिहार से है मास बिहार सर हम हैं। अरे भाई चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मास्को मस्कोवा, मास्को मस्कोवा कटिया डिस्ट्रिक्ट से है भाई। मास्को मस्कोवा कटिया वाले भाई सीमान से है। अब लिखो क्यू कहाँ से सिवान में कहाँ बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। क्यू नी पर बुड्ढा पेस्ट लिखवाए हैं? नहीं सर नहीं लिखवाए हैं। इसको बुड्ढा लिखवा दीजिएगा सर। अभी कुछ हुआ है यार, अभी तो पूरी रात बाकी बात बाकी है, 9:19 हुआ है सर। बुड्ढा पेस्ट में आदत है, उतना पढ़ा है जी, कोई दिक्कत नहीं। बुड्ढा पेस्ट पीडीएफ डाल दीजिएगा ना सर, मेरा नेट खत्म हो जाएगा। अब टेन्यू रिचार्ज करो 15 का, रिचार्ज करो 15 का, हो गया ना? रिचार्ज करना पड़ेगा इसका। अरे ग्रुप में इसका कहानी खत्म हो गया। हाँ ग्रुप में नंबर डाल दो, रिचार्ज हो जाएगा तुम्हारा। ग्रुप में सिर्फ एडमिन वो कर सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट है जो हम लिखवा देते हैं, जरूरी है। अब तुम ही लोग में लिखवा रहे हैं, बाकी में तो नहीं लिखवाए हैं। यस सर जी, बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज, अब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लिखवा दे रहे हैं। इंटरेस्ट सर निकल जाएगा ना सर, अब पढ़िएगा तब ना सर। सर कौन सा लिखवा रहे हैं अब? डाउट है क्या भाई? अब लिखो यूनिसेफ, अब लिखो प्रमुख संस्थाएं, बहुत अच्छा चीज लिखवा रहे हैं। ए, सुनो यार, सुनो सुनो, हाँ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ अब लिखो हम सबका मुख्यालय लिखा देते हैं। फेमस फेमस ऑर्गेनाइजेशन, रुकिएगा फेमस सर एक मिनट सर। यूनिसेफ सर, यूएन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसको बोलते हैं। इसके लिखिएगा स्थापना कब हुआ था, 1946 में हुआ था। देखिए ये इतना अंदर तक इसका औकात नहीं सर। सर ईस्वी याद नहीं होता है सर, तो ईस्वी कैसे याद रखेंगे? छोड़ दो ईस्वी नहीं है, पूछेगा खाली, पूछेगा कहाँ पे है, ईस्वी में क्वेश्चन है। अरे ईस्वी में कंफ्यूजन हो जाता है ना। मामी को मोबाइल में कहाँ है स्वामी जी, कंफ्यूजन हो जाता है। अब लिखो यूनेस्को, माइक ऑफ करके कौन गाना गा रहा है? ऑफ करो ना माइक, माइक यूनेस्को 1946 में ही हुआ था इसका मुख्य। ऑनलाइन पढ़ने का यही तो तुम लोग फायदा उठाते हो। न्यू यूनेस्को का लिखो पेरिस मुख्यालय, मुख्यालय का क्या होता है? हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर एचक्यू। स्टॉप स्टेबलाइज सर, न्यू लड़का सर, बीए का न्यू लड़का शुरू से क्लास कैसे करेगा सर? यूनेस्को अभी ज्यादा हुआ नहीं है, बीए का सिर्फ दो ही क्लास हुआ है, हिस्ट्री का हुआ है। पटना आ जाइए, आज तो ये तीसरा क्लास है ना, मतलब जनरल का ही है ना ये? हाँ ये जनरल का दूसरा क्लास है जो रिकवर। अरे 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 सुनो ना, डाउट बाद में क्लियर कर लेना। WHO विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 जिनेवा कहाँ से बिलोंग करता है सर? जिनेवा आपका है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। हाँ
उसमें कार्बन नाटो और यूरोपीय संघ के बारे में लिखवा दीजिए सर। सब जो आप सोच रहे हैं ना सर, वो हम पहले सोचे हुए हैं सर। आप धस गए सर। आप यही है क्या सर, जो फोटो लगा है कृष्णा नाम लिखा है सर? आई बी आर डी नहीं, मेरे में एक बच्चा का फोटो लगा हुआ है। नहीं सर, ये अभी ईमेल पर वाला पूछ रहा है। हाँ हाँ वो सर वाला सर देख नहीं रहे, भोले ऐसे हैं। वाशिंगटन डीसी मेरा वो पुराना फोटो है जो अभी लगा हुआ है डीसी। इसका सर पुराना बचपन के प्यार मेरा पुस्तक तक चले। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सर मैक ऑफ करवाइए ना, बार बार आवाज आ रहा है, ईयरफोन लगाए हुए। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IMF IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 वाशिंगटन डीसी। सर इसी से किसी का फॉरेन रिजर्व टाइप किया जाता है सर, जिसको पास फॉरेन रिजर्व। हाँ किसी का ना अभी श्रीलंका को दिया है। हाँ श्रीलंका को भी दिया हुआ है। पांचवा छठा हो जाएगा WTO। हाँ WTO पाकिस्तान तो सबसे लेकर बैठा हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका विश्व पर्यटन संगठन टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका बता रहे हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है सर, ट्रेड होता है या टूरिस्ट होता है? एक ट्रेड, एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ट्रेड भी होता है, एक ट्रेड भी होता है, ट्रेड भी होता है, एक एक टूरिस्टर भी होता है। हाँ एक यही होता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। इसका मुख्यालय कहाँ है सर? मैड्रिड स्पेन। इसका यह स्थापना कब हुआ था? क्या माइक बोल कौन रहा, इतना तो हल्ला करवा रहे हो यार माइक ऑन। विवेक भाई, विवेक भाई के तब से बहुत विवेक अपना माइक बंद करो ना। क्या है 1925। अब एक और आपको लिखा है, एक अच्छा सा चीज लिखवाते हैं जो आपकी एग्जाम में सर। 1925 बोला ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ देख लेना। अब अगला आओ, पढ़े हुए थे। अगला जाओ, अगला लिखो WTO। जब जो तुम बोल रहे हो ना वो हम लिखवाते हैं, लिखो WTO, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है तो 1995 में इसका नाम बदला था। इसके पहले इसका नाम क्या था? GATT GATT। यदि क्वेश्चन पूछेगा तो पीछे पर नहीं पूछेगा ना, कि क्वेश्चन पूछेगा कि गैट का नाम बदलकर क्या किया गया, तो WTO किया गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है अब इसका मुख्यालय के बारे में बात करते हैं सर। कितने लोग हो अभी? भाग गए नहीं भेजेंगे आप मेरा साला आ गए हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको, गाली दे देंगे इसको। मुख्यालय जिनेवा में, मुख्यालय जिनेवा। ठीक है सदस्य की संख्या, सदस्य संख्या 192, इसका 153। ठीक है 196 है WTO का, देख लो तो हम कंफ्यूज कर गए हैं। 192 देख लेते हैं एक सेकंड। 196 WTO member। हाँ हाँ अब अगला आ जाओ ADB 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 लिखो ACI ACI चाइना 2002 में शामिल हुआ था। टोटल मेंबर देखो ना, टोटल मेंबर ऑफ WTO। रुको रुको तुम लोग रुको सर, ये ADB क्या है? रुको
एसबीआई डेवलपमेंट बैंक। मेंबर भी एम ई एम किसका था? डब्ल्यूटीओ ना सर, गूगल पे 164 दिखा रहा है। 159 सर, 164 दिखा रहा है। ये देखो सर, 12 का पॉलिटिकल में 192 दिखा रहा है। चलो तुम लोग सर्च अच्छे से कर लेना, विकिपीडिया पे देख लेना, इस पे तो नहीं आ रहा है। सर हम देख लिए, 164 दिखा रहा है। 164 दिखा रहा है। 154 होगा फिर, 153 बताया था ना। और ऑब्जर्वर गवर्नमेंट 25 है। अब एडीबी एसीआई डेवलपमेंट बैंक, एसीआई डेवलपमेंट बैंक मतलब एसीआई विकास, रुकेगा एक एसीआई विकास बैंक, एसीआई डेवलपमेंट बैंक। अब देखो इसकी स्थापना इसकी स्थापना 1961, ठीक है सर। स्थापना का इंग्लिश में क्या लिखेंगे? स्टेबलाइज्ड। ओके सर। अब और इसका मुख्यालय देते हो 300, पढ़ते हो 3000, इतना मुख्यालय मनीला। ये तो आपका मनीला कितने कमर पर आ रहे हैं? फिलीपींस सर 165 है, देख लिए। 64 एडीबी हो गया, 64 है एंड ऑब्जर्वर गवर्नमेंट 25 है। जितना जितना है अपना अपना लिख लीजिए। डब्ल्यूटीओ हो गया, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया तो अपना अपना लिख देना। ताली बजाइए। देखिए अमन अमित सोनी जी आ रहे हैं, ताली बजाइए इनके लिए। एडीबी के बाद लिखिए सर। फिलीपींस क्या लिखे सर? हेड क्वार्टर कहाँ लिखे? एक बार लिखे मनीला, मनाली नहीं मनीला, फिलीपींस। ओके सर, ओके मनीला, मनाली याद आता है। अब लिखो अगला, आसियान 1967 में इसका स्थापना हुआ था सर। आसियान सर, इसके बारे में तो 12 में ही पढ़ना था। 1967 में इसका स्थापना यही पढ़ना था ना कि संजीव ये आपका भारत में बनाया था। देशों के संकेत सर। अरे 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 मैसेज में देख पाना क्या बोल रहा है। आसियान कौन है? मैसेज में क्या बोल रहा है? एसोसिएशन ऑफ, इसका फुल फॉर्म आया तो लिख लेना, कोई फालतू बोल रहा है क्या? साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। फालतू भाई, देखो सब कुछ चलता है, मेरे को बर्दाश्त होता है। पिछली बार भी यही बोले थे कि मजाक बहुत हद तक सही होता है। ये सब उस दिन मेरे क्लास में पर एशियन नेशंस सर। हाँ माइक बंद करवाइए ना सर। स्थापना भाई जिसका डिस्टर्ब हो रहा है ना माइक बंद। 1967 भाई पता है तो अपने अंदर रखो ना, काला बता रहा हमको सर, बता रहे हैं ठीक है। अरे दो दो को सुनेगा तो दो दो बार याद होगा ना। हाँ चलो नाटो, इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता लिखना, जकार्ता इंडोनेशिया है ना सर। मुख्यालय जकार्ता। जकार्ता थके नहीं ना? अब लिखो नाटो, नहीं थके बहुत नाम सुन रहे हो। आओ ना यार साथ में खा लो, पढ़ो खाओ, पढ़ो खाओ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका ये फॉर्मूला कहते हैं, इसका फुल फॉर्म आएगा तो लिख लो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो पीडीएफ दे देंगे, कोई नहीं समझेगा, जो पीडीएफ देखेगा वो नहीं समझेगा कैसे कैसे क्या लिखा हुआ है, इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है। वो जिसको बोलता है बोलने दो, वो राजेंद्र प्रसाद उसको बोलने दो। नाटो तो फॉर्मिकमा संस्था है सर, ठीक है। स्थापना 1949 4 अप्रैल 1949
जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना उसके बाद। नो सर। हाँ हाँ तो बना था मुख्यालय सोवियत संघ का से बदला लेने के लिए नहीं बना था ब्रुसेल्स। ये सर उसका वार्सो पैक्ट बना था, इसका नाटो बना था। 1955 वार्सो पैक्ट बना था। बहुत हाँ तो वो थोड़ा लेट से बना था। एनसीईआरटी पर वो सब समझ में आ जाएगा। लिखो एनसीईआरटी पढ़ते ही है। राजा तो सर एक ही है, पुतिन है सर। उसके बाद का 70 साल की उम्र में जिम करता है सर। अब लिखो G7। G7 ठीक है। G7 स्थापना लिखो सर। नाटो का ये मुख्यालय कहाँ लिखे हैं? ब्रुसेल्स। बेल्जियम में है ठीक है। अभी इसमें 16 सदस्य हैं। 16 नहीं सर, सर्च कर लेना एक बार। 31 सदस्य है। 31 सदस्य है। 31 सदस्य। 16 13 यूरोपीय देश, 2 अमेरिकी देश। 16 नहीं है सर, 30 है सर। सर 12 मेंबर फाउंडिंग मेंबर है और अभी 13 31 हो गया है। 27 देश है। सर्च कर लेना। G7 का स्थापना कहां हुआ था? ये जिस समय का मेरा डाटा है ना उस समय का, ये हम 16 लिख लिए हैं जिसमें तेरा फाउंडिंग। हाँ पहले 16 था, अभी फाउंडिंग में मतलब 12 है। G7 का लिखो और अभी 31 है। G7 का स्थापना लिखो 1975। G7 पहले G8 था ना। हाँ उसमें फिर रूस को हटा दिया ना। रूस सदस्य को 2014 में हटा दिया था। सदस्य देशों के नाम लिख लो। यस सर, G7 से रूस को निकाला था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएसए। यूएसए तो सब में आएगा ही। हो गया बस, सब डेवलप्ड कंट्री है तो डेवलप है, इसीलिए तो G7 में हो गया ना। यस सर। G7 है ना, जो G8 हो गया है सर। सर पहले G8 था, अभी G7 हो गया है। हाँ वही रूस को निकाला है इसलिए। सार सोवियत संघ का निकाल दिया गया। सार कीजिए ना सर, नहीं हुआ सर। मैंने 6 लिखाया है, एक दिखा दीजिएगा। अरे वैसे भी PDF डलेगा ग्रुप में, दिक्कत। अरे PDF से नहीं हो, पता नहीं लाइव में जो लिखेंगे वो अलग है, उसका बात। वो बात सही है सर। अगला हुआ सर, सार्क लिखिए सर। यस आया ना इंडिया वाला सर। सार्क इंडिया वाला है ना सर जो। हाँ अखंड भारत, साउथ एशिया एसोसिएशन। इसमें आ जाएगा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। एसोसिएशन ऑफ रिसर्च सेंटर। ये आपका सर इसी में ने बोला था इंडिया के सैटेलाइट छोड़ेंगे सर। पाकिस्तान बोल रहा है हमारा डाटा जितना चुराएगा उतना फेरा में हम ना रहते हैं। कौन क्या बोल रहा है? सही है। रीजन रीजनल। ये किसका पंखा चल रहा है फराटा? सर सर कान में एरोप्लेन जैसा लगता है सर, कि एरोप्लेन निकल रहा है। बंद करो। स्थापना 1985। मालूम है गर्मी है भाई, हम गर्मी है, मेरा पंखा ऊपर चल रहा है, बताओ। आप तो ऐसे में होंगे सर। हाँ कॉलेज वाला आके पकड़ के लेकर चला जाएगा। मुख्यालय काठमांडू। ये लोग निकलवाएगा सर, कहेगा एसी में सोते हैं सर। ये निकलवा देगा कॉलेज से, हम समझ रहे हैं ना। 2-4-5 महीना बचा हुआ है, जो भी इज्जत बनाया है सब इज्जत ये लोग मिला देगा। सदस्य कोई वैल्यू नहीं है ऑनलाइन क्लास का, बताओ यार। कोई वैल्यू नहीं है, पूछो आगे कोई कर रहा है। बांग्लादेश सब फायदा उठा रहे हैं सर, दीजिए।
भूटान सर जीके क्लास ही तो पढ़ने मजा आता है भारत कोई अपना बोलता रहता है मालदीव ये डिस्टर्ब कर ना सबके घर को मक्खर मर जाए मालदीव नेपाल नेपाल पाकिस्तान पाकिस्तान हमारे चाचा जी आ गए हैं इसके साथ श्रीलंका इम्पोर्टेंट है सर तो इसमें म्यांमार नहीं आता क्या किसके चाचा जी पाकिस्तान है सर सार्क से 12 में भी क्वेश्चन आया था हम सर हर सर इसमें म्यांमार नहीं आता क्या सर यही है आगे आइए सर सर एक बार जल्द दिखा दीजिए और म्यांमार होगा सर सर अब कल पढ़िएगा अरे हाँ सर ये लोग माइक सर देख रहे हैं खुला ही रखता है श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश अब सर रुकिए इसका पीडीएफ भेज देते हैं जो जो क्लास किए बहुत एकदम एकदम सर सर पीडीएफ सर भेज आपके सामने आपके अभी भी कोई पढ़ने आ रहा है आपके सामने आज कितना तारीख है सर इसमें 10 सर 10th तारीख है सर मैथ का क्लास थोड़ा कम समझ में आ रहा है सर कौन सा मैथ का क्लास मैथ का रीजनिंग वाला पहला क्लास है रीजनिंग सर रीजनिंग तो सर हमको भी समझ में नहीं आया सर रीजनिंग थोड़ा सा बढ़िया से एक्स्ट्रा क्लास रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए कोई बुक बताइए ना सर रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए कोई बुक पीडीएफ डाल दीजिएगा सर सर पीडीएफ निकलवा लेंगे लोग आप सेट प्रैक्टिस डाल दीजिएगा और सर ये थोड़ा हेलो पब्लिकेशन का ले लीजिए रीजनिंग के लिए सर बताइए क्या सर देखिए लाइन पे रहिए पब्लिकेशन का ले लीजिए रीजनिंग के लिए सर ग्रुप में डाल दीजिए लिखकर सर लाइन पे रहिए सर रीजनिंग को ले वो क्लास पे रहिए अरे ठीक क्लास में रहिए और हम पीडीएफ भेज दे रहे हैं बताइएगा ठीक है सर ठीक है आपको बता देते हैं सर रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए बुक का नाम बताइएगा सर कम समझ में आ रहा है सर अरिहंत का अरिहंत का ले लेना अरिहंत ग्रुप पब्लिकेशन का जो है ना ग्रुप बी का अतिरिक्त जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 10 अप्रैल वाला ना 10 अप्रैल स्टैटिक जीके अच्छा तो क्लास नहीं किया ना उसको समझ में थोड़े आएगा सर बिल्कुल सर हम दो ही क्लास सीखी है आ गया सर सर आ गया पीडीएफ आ गया डाउनलोड भी हो गया सर 128 MB का है देख भी लिए सर डाउनलोड हो गया सर आ गया 19 पेज है सर 19 पेज हां 19 पेज का है यस सर हां वही है जो लिखे हैं वही है ना जी वही है तो आपके लिए देखो हम कितना होशियारी वाला काम कर दे रहे हैं चलो एकदम ठीक है सर बाय सर गुड नाइट भाई गुड नाइट ट्रेन तो टाइम भी फोर आ रहा है जी अरे बिलासपुर पटना नहीं है सर कल है नहीं है अरे बस ये बिलासपुर पटना सही बात हम तो मुँह तो लाग रही है पापा बोले कि बिलासपुर पटना पकड़ लिया तो सिक्किम महानंदा है वो पापा फोन करो के आराम है विभूति नहीं सब पीछे अपना उठाई तुम फोन मत कर ये तो 9:42 हो ले यार ये तो सर ट्रेन भी पकड़ के पैसेंजर भी तो
अमृतसर हावड़ा मेरी कहा हेलो। हाँ जी बोलिए।